येस पीपल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे है? सब लोग होप्प सब लोग बहुत, बहुत बढ़िया रहेंगे मैं बता दू मैं भी बहुत अच्छा हूँ साइज so हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था असेसमेंट प्रोसीजर और असेसमेंट प्रोसीजर का एक पार्ट बाकी था दैट इज द फेसलेस असेसमेंट जो की आपके सेक्शन होती है 144 बी तो ये 144 बी जो सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू द फेसलेस असेसमेंट 144 ए पढ़ा था दैट इज पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर 144 बी बाकी था 144 सी पढ़ा था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल वाला तो चलो चालू करते हैं आज 144 बी से सबसे पहले सर ये फेसलेस असेसमेंट कैसे होता है क्या होता है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं तो देखो

जो असेसमेंट करना के कौन कौन से पॉइंट पे असेसमेंट करना है क्या क्या आपसे क्लेरिफिकेशन मांगना है क्या क्या चीजें है इंक्वायरी करनी है वो सब काम जो रहेगा वो असेसमेंट यूनिट का रहेगा और अल्टीमेटली असेसमेंट यूनिट है वो आपका ड्राफ्ट ऑर्डर पास करेगी उसके बाद वेरिफिकेशन यूनिट का काम क्या रहेगा जैसे इंक्वायरी करना है क्रॉस वेरिफिकेशन करना है एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है किसी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है किसी के विटनेसेस है उसको रिकॉर्ड करना है वो वेरिफिकेशन यूनिट का काम रहेगा टेक्निकल यूनिट का काम क्या रहेगा कि अगर मान लो असेसमेंट यूनिट को कहीं पर हेल्प लगती है टेक्निकल पॉइंट पे टेक्निकल पॉइंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो ट्रांसफर प्राइजिंग से रिलेटेड कोई हेल्प लग रही है या फिर तुम्हारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फॉरेंसिक अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल हेल्प लगती है तो वो टेक्निकल यूनिट हेल्प करेगी और रिव्यू यूनिट का काम क्या रहेगा कि जो भी असेसमेंट यूनिट ने जो ऑर्डर पास किया ड्राफ्ट ऑर्डर उस ड्राफ्ट ऑर्डर को अगर रिव्यू करना है तो रिव्यू का काम है वो रिव्यू यूनिट करेगी रिव्यू यूनिट ये देखेगी कि जो भी केस लॉज है लॉ है उसको इनकॉर्पोरेट किया है या नहीं किया है और जो जो पॉइंट्स पे लाइक मटेरियल वगैरह जो एविडेंसेस थे उसको सबको कोसिडर किया है या नहीं वो काम रहता है रिव्यू यूनिट का तो चलो हम चालू करते हैं फेसलेस असेसमेंट सेंटर तो हमेशा मैं क्या बोलूंगा समझने की कोशिश करना सबसे ऊपर जो सेंटर है दैट इज द एनफेक एनफेक का मतलब नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर उसके अंडर बहुत सारे रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर रहेंगे दैट इज द आरफेक आरफेक के अंडर हर आरफेक में चार यूनिट रहेगी वन इज द असेसमेंट यूनिट वन इज द वेरिफिकेशन यूनिट वन इज द टेक्निकल यूनिट एंड वन इज द यूनिट तो चलो चालू करते हैं सबसे पहले सबसे पहले अब आपको स्क्रूटनी का नोटिस है वो कौन भेजेगा वो एनफेक्ट भेजेगा तो यहां पे क्या लिखा हुआ एनफेक्ट सर्व नोटिस अंडर सेक्शन दैट इज द स्क्रूटनी का नोटिस को स्क्रूटनी का नोटिस एनफेक्ट से जब भी आपके पास में स्क्रूटनी का नोटिस आता है तो आप चाहे तो उसमें 15 डेज में उसका रेस्पॉन्स कर सकते हैं इफ यू विश देन यू दे रेस्पॉन्स विद इन द 15 डेज 15 डेज में अगर आपको कोई रिप्लाई करना है तो आप रिप्लाई कर सकते हैं तो देखो पहला पार्ट तो अगर एनफेक्ट ने आपको स्क्रूटनी का नोटिस भेजा या फिर हुआ क्या कि अगर मान लो आपको स्क्रूटनी का नोटिस है वो स्क्रूटनी का नोटिस एओ ने भेजा था यहां पे लॉ क्या बोलता है कि एओ हैज

भेजा एओ ने भेजा था एओ ने क्या किया आपने रिटर्न फाइल किया था या तो 139 में या 142-1 के रिस्पांस में या 148 के रिस्पांस पे और उसके बाद एओ ने आपको सर्व करवा दिया कौन सा 143 टू स्क्रूटनी का नोटिस तो यहां पे आपको एनफेक्ट इंटीमेट करेगा एनफेक्ट इंटीमेट करेगा कि भैया आपका असेसमेंट हम करेंगे या फिर हुआ क्या

कि अगर आपको एनफेक्ट ने 1432 का स्क्रूटनी का नोटिस भेजा था या फिर आपको स्क्रूटनी का नोटिस एनफेक्ट ने नहीं भेजा लेकिन आपने पहले रिटर्न फाइल किया था 139 में या फिर 1421 के रेस्पॉन्स में या 148 के रेस्पॉन्स में और एओ ने आपको सर्व करवाया 1432 का नोटिस या फिर हुआ क्या कि आपको 1421 का नोटिस भेजा था आपने उसका रिप्लाई नहीं किया या फिर आपको 148 का नोटिस भेजा था आपने उसका रिप्लाई नहीं किया तो एओ ने आपको 1421 का नोटिस भेजा तो उसके बाद में यहां पे एनफेक्ट है वो आपको एस्टिमेट करेगा कि आपका असेसमेंट हम करेंगे अब एक बात समझना एनफेक सबसे पहले क्या करेगा एनफेक अगर आपका केस है वो असेसमेंट में लेता है तो एनफेक क्या करेगा कि आपका केस किसी भी असेसमेंट यूनिट को अलोकेट कर देगा मीन्स किसी भी असेसमेंट यूनिट को एयू को असाइन कर देगा अलोकेट कर देगा किसी भी रीजनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर में

अब एक चीज समझदार ऐसा हो सकता है असेसी है वो मुंबई का है लेकिन इसका जो असेसमेंट हो रहा है वो असेसमेंट हो रहा है चेन्नई की किसी असेसमेंट यूनिट में ऐसा हो सकता है इट इज पॉसिबल ऑब्वियसली ऐसा होगा अगर ये ठीक है बिकॉज यहाँ पे ऑटोमेटेड अलोकेटेड सिस्टम से किसी भी आरफेक की असेसमेंट यूनिट को आपका केस है वो अलॉर्ट हो जाएगा अब एक बात समझना होता क्या है अब आपका केस है वो असेसमेंट यूनिट के पास है असेसमेंट यूनिट को अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी डॉक्यूमेंट से चाहिए कुछ भी एविडेंस से चाहिए क्योंकि असेसमेंट यूनिट जो है वो असेसमेंट यूनिट क्या करेगी असेसमेंट करेगी तो असेसमेंट यूनिट को अगर असएससी से कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए एविडेंस से चाहिए असएससी या किसी और पर्सन से तो असेसमेंट यूनिट डायरेक्टली से कॉर्डिनेट नहीं कर सकती डायरेक्टली किसी और पर्सन से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती असेसमेंट यूनिट क्या करेगी पता एनफेक को बोलेगी, बोलेगी. नेशनल चाहिए, चाहिए या किसी और पर्सन से, से चाहिए आप लाके दीजिए देन एनफेक क्या करेगा अप्रोप्रिएट नोटिस है वो एस को इशू करेगा असएससी एनफेक को डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भेजेगा और वो एनफेक क्या करेगा फिर असेसमेंट यूनिट को वो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन है वो सब चीजें

वेरिफिकेशन यूनिट या टेक्निकल यूनिट को ऑटोमेटेड सिस्टम से आपका है, वो कर देगा. तो हो सकता है या फिर जो टेक्निकल हेल्प दे रही है वो बॉम्बे कीटेड सिस्टम से ये चीजें होने वाली है करके ठीक है तो देखो मैंने क्या बोला सबसे पहले आपका केस असेसमेंट यूनिट के पास है और असेसमेंट यूनिट को कोई भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चाहिए तो वो किसको बोलेंगे

जब भी ने नोटिस इश्यू किया किसको एसएससी को तो एसएससी से जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएगा वो एनफेक क्या करेगा असेसमेंट यूनिट को दे देगा अब लेकिन एक बात समझना अगर एसएससी ऐसा है जिसने रिप्लाई किया ही नहीं एसएससी ऐसा है जिसने रिप्लाई नहीं किया करके ठीक है या फिर जो है उसको 142 वन रिया का नोटिस भेजा था उसका कंप्लाई नहीं किया वन को 142 टू में स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था उसका कंप्लाई नहीं किया अगर ऐसा है तो उस केस में एनफेक क्या करेगा उसको 144 का एक शो को नोटिस इशू करेगा और उसको बोलेगा कि तुमने स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दिया था उसका कम्प्लाई नहीं किया या रिया वाला नोटिस भेजा था उसका कम्प्लाई नहीं किया क्यों ना हम तुम्हारा बेड जजमेंट असेसमेंट कर दे ऐसा इनफेक्ट नोटिस भेजेगा और उसका जो भी रिप्लाई आएगा एस का या रिप्लाई नहीं एस ने किया तो उस केस में क्या होगा कि एनफेक्ट है ना वो असेसमेंट यूनिट को बोलेगा कि ये एसएससी बड़ा ही बेशरम है Assessi जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है इसका तो आप एक काम करिए बेड जजमेंट असेसमेंट करिए इसका तो आप एक काम करिए जजमेंट असेसमेंट करिए तो उस केस में क्या होगा कि ये सब चीजें वो असेसमेंट यूनिट के पास आएगी अब असेसमेंट यूनिट क्या करेगा असेसमेंट यूनिट ऑल एविडेंसेस को देख के ऑल इंफॉर्मेशन को देख के वेरिफिकेशन यूनिट से जो रिपोर्ट आई उसको देख के टेक्निकल हेल्प जो मांगी थी उसको देख के और उसके बाद में क्या करेगा यहां असेसमेंट यूनिट एक ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा और असेसमेंट यूनिट यहां पे ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगा कौन सी सेक्शन में या तो 143 थ्री में बनाएगा या 144 में या 144. बनाएगा जब असेसमेंट नॉर्मली ने कंप्लाई किया 147 मैंने आपको बताया था 147 का, 147 का जो ऑर्डर बनता है ना उसके ऊपर क्या लिखा जाता है वन रीड विद सेक्शन सेवन या वन रीड विद सेक्शन 147 इसका मतलब यह होता है कि अगर आपने कंप्लाई किया है तो वन रीड विद सेक्शन सेवन में ऑर्डर बनेगा आपने कंप्लाई

एनफेक क्या करेगा उसी ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनलाइज कर देगा

उसी को फाइनल ऑर्डर बना के भेज देंगे लेकिन अगर मान लो रिव्यू यूनिट ने कुछ सजेशंस दे दिए यहां पे रिव्यू यूनिट है वो रिव्यू यूनिट ने क्या किए कुछ सजेशन दे दिए मॉडिफिकेशन दे दिए कि ड्राफ्ट ऑर्डर में ये ये चेंज कराओ तो रिव्यू यूनिट ने अगर सजेशन दिए तो वो सजेशन क्या करेगा इनफेक्ट क्या करेगा किसी और असेसमेंट यूनिट को केस ट्रांसफर करेगा मीन्स किसी और असेसमेंट यूनिट को वो केस ट्रांसफर करेगा और बोलेगा कि ये रिव्यू यूनिट ने कुछ सजेशन दिए हैं वो सजेशंस आप देख लो करके ठीक है अब एक बात समझना जो तो न्यू असेसमेंट यूनिट रहेगी ना उसके पास केस है क्योंकि रिव्यू यूनिट ने कुछ सजेशन दिए थे गलत है वो कंसिडर करने के बाद एक ऑर्डर बनाएगी और उस ऑर्डर को बोला जाएगा फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर वो ऑर्डर बनाएंगे दैट ऑर्डर इज कॉल्ड फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर और मान लो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर की वजह से कोई वेरिएशन है ही नहीं मिन रिटर्न इनकम जितना टेन था इन्होंने कुछ सजेशन दिए मान लो न्यू असेसमेंट यूनिट को लगा वो सजेशन सही नहीं है तो उन्होंने क्या किया वही ऑर्डर को उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर बना दिया और वापस किसको भेज दिया एनफेक को भेज दिया एनफेक ने उसी को फाइनल बना के और अस को भेज दिया लेकिन अगर मान लो अब दूसरे पार्ट पे चलते अगर आपका वेरिएशन हो रहा है आपकी रिटर्न इनकम में जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके रिटर्न के हिसाब से यू हैव द इनकम ऑफ द दैक एंड फॉर एन एग्जाम्पल यहां पे जो आपका ड्राफ्ट ऑर्डर बना उसमें जो आपकी इनकम है वो इनकम हो गई सपोज फॉर एन एग्जाम्पल ट्वेंटी लाख रुपीज तो यहां पे वेरिएशन हो रहा है जब भी वेरिएशन होता है ना तो दो चीजें होगी या तो वेरिएशन जो है तो आप एक काम करो पहले ही आप उसको रिव्यू यूनिट को भेज दो रिव्यू कराने के लिए रिव्यू कराने के लिए आप रिव्यू यूनिट को भेज दो या फिर एक काम करो बिना रिव्यू कराए फिर एस को सीधा अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ट दे दो दो चीजें होगी अब एक बात समझना अगर मान लो रिव्यू यूनिट को भेजा तो रिव्यू यूनिट को भेजा तो जैसे ही केस रिव्यू यूनिट के पास गया लेकिन रिव्यू यूनिट ने मान लो कौन कर दिया कौन कर है ठीक है जो असेसमेंट यूनिट ने किया है ठीक है तो उसके बाद में जैसे ही कौन कर किया उसके बाद एस को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे लेकिन अगर मान लो रिव्यू यूनिट ने कुछ सजेशन दे दिए तो वो सजेशन क्या करेंगे किसी और न्यू असेसमेंट यूनिट को भेजेंगे और किसी और जो न्यू असेसमेंट यूनिट है वो जो ऑर्डर भेजेगी दैट इज द फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर होगा उसके बाद एस को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे बट जब भी यहां पे चेंज होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा ये ध्यान रखना जब भी वेरिएशन हो रहा है ना वेन एवर देर इज अ वेरिएशन यहां पे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एस को देना पड़ेगा दो चीजें हो सकती है या तो बिना रिव्यू यूनिट को भेजे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर दे दो बट अगर मान लो एनफेक को लगता है कि नहीं नहीं रिव्यू यूनिट को भेजना चाहिए और रिव्यू यूनिट को भेजा अगर उसके कोई सजेशन नहीं है तो फिर सजेशन नहीं है उसके कॉन कर दिया उन्होंने एज इट इज आप अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हर्ड दे दो लेकिन उन्होंने सजेशन दिए तो न्यू असेसमेंट यूनिट को भेजो न्यू असेसमेंट यूनिट है वो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेगी और फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर जो है उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड दे दो So, यहां पे हो क्या रहा है एनफेक्ट ने मान लो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी किसको किसकोसी को अब एनफेक्ट ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दी एस को अब एक चीज समझना समझनासी के पास में जब भी वेरिएशन होगा ना एक बार अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगी आपको सुना जाएगा कि ये ये वेरिएशन कर रहे हैं अगर आपने उसका रिप्लाई नहीं किया एस ने उसका कोई रिप्लाई किया ही नहीं एस एससी नॉट रिप्लाइड एट ऑल एस ने उसका कोई रिप्लाई नहीं किया तो उस केस में क्या होगा एस ने कोई रिप्लाई नहीं किया तो डिपार्टमेंट क्या करेगा उसी ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर बना के भेज देगा उसी ऑर्डर को फाइनल ऑर्डर बना के भेज देगा लेकिन एक बात समझना असेसी यहां पे अगर वो डीआरपी वाला है

Assessi ने यहां पे रिप्लाई किया जो भी टाइम मांग दिया था असेसी को असेसी ने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का रिप्लाई किया वो रिप्लाई जो भी एस से आएगा वो असेसमेंट यूनिट को भेजा जाएगा और वो असेसमेंट यूनिट को भेजा जाएगा और असेसमेंट यूनिट उस रिप्लाई को कंसिडर करेगी अब एक चीज समझना अगर असेसमेंट यूनिट ने वो रिप्लाई को कंसिडर किया उसके बाद इनकम और बढ़ गई

सो so, जो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर है वो जैसे ही अस का जो रिप्लाई उसके बाद रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनेगा असेसमेंट यूनिट है वो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगी और उसके बाद वो रिवाइज ड्राफ्ट ऑर्डर जो रहेगा उसके बाद वापस अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिया जाएगा लेकिन अगर मान लो कुछ चेंज नहीं होता है थर्टी लैक नहीं होता है ट्वेंटी ही रहता है उसके रिप्लाई के बाद भी डिपार्टमेंट को लगता है ट्वेंटी लैक है तो उसके बाद में दो चीजें होगी वो सीधा उसी को फाइनल ऑर्डर बना के भेज देंगे और अगर असएस्सी डीआरपी वाला है तो उसको क्या भेजेंगे ड्राफ्ट ऑर्डर भेजेंगे अब एक बात समझना आपको पता है जैसे ही अस वो डीआरपी वाला असस्सी रहता है तो उस केस में दो चीजें हैं आपने अगर थर्टी डेज के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस दे दिया या ऑब्जेक्शन दे दिया या एक्सेप्टेंस दे दिया या आपने कुछ भी नहीं किया तो उसी को फाइनल ऑर्डर बना के भेज देंगे बट अगर आपने ऑब्जेक्शन किया तो डीआरपी से डायरेक्शन आएंगे और डीआरपी से डायरेक्शन किसके पास में आएंगे डीआरपी के डायरेक्शन है वो एनफेक के पास में आएंगे एनफेक असेसमेंट यूनिट को बोलेगा और डायरेक्शन के हिसाब से जो है असेसमेंट यूनिट क्या करेगी आपका ऑर्डर बना के आपको भेज देगी और यहां पे स्टोरी एंड हो जाएगी दिस इज द ऑल योर फेसलेस असेसमेंट यही सब चीजें सेक्शन वन बी में दे रखी है अब एक चीज समझना यहाँ पे कुछ नोट दे रखे सबसे पहली चीज तो ये भी जो भी कम्युनिकेशन

इनको अगर कहीं पे भी लगता है कि आपका असेसमेंट है ना ये फेसलेस मैनर में नहीं हो सकता लोकल एओ को ट्रांसफर करना चाहिए तो वो आपका केस लोकल एओ को ट्रांसफर कर देंगे अब एक और चीज समझना पर्सनल हियरिंग यहां कहीं पे भी अलाउ नहीं होती लेकिन आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसिलिटी मिल सकता है जब भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाता है तब आपको लगता है कि नहीं नहीं यार हम ऐसे लिख के नहीं बता सकते हमको बोलना है तो उस टाइम आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का फैसिलिटी चाहिए तो उस केस में आप एक काम करिए कि जो आरफेक के इंचार्ज रहते हैं आरफेक के इंचार्ज रहते हैं कौन पता है सीसीआईटी और डीजीआईटी CCIT और डीजीआईटी वो RFAC के इंचार्ज रहते हैं वो आपको है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जो है वो, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपकी बात को सुनने का फैसिलिटी दे सकते हैं बट आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपने घर से ही करेंगे करके ठीक है आप अपने घर से करिए या सी के ऑफिस कहा जहां पे आपको जगह मिले वहां से आप सबमिशन दे सकते हैं लेकिन एक बात समझता अगर कहीं पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो सीबीडीटी क्या करेगी ये फैसिलिटी को सेटअप करेगी CBDT ये फैसिलिटी को सेटअप करेगी जैसे जो आपके नियर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रहेगा वहां पे ऐसा कॉल सेंटर रहेगा वहां जाके और आप ये कर सकते हैं उसके बाद मैं एक बात बताऊं मैं आपको ये सर जो असेसमेंट यूनिट है वेरिफिकेशन यूनिट है रिव्यू यूनिट है टेक्निकल यूनिट है इसमें कौन सी ऑथोरिटी रहेगी मैं बता दू इसमें सब असेसिंग ऑफिसर रहेंगे जितने भी असेसिंग ऑफिसर रहते हैं असेसिंग ऑफिसर कौन रहते हैं एडिशनल कमिश्नर या फिर एडिशनल डायरेक्टर ज्वाइंट कमिश्नर जॉइंट डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर असिस्टेंट कमिश्नर एंड डेपुटी डायरेक्टर एंड डेपुटी कमिश्नर एंड आई ये जो लोग है ये रहेंगे

और फेसलेस पेनल्टी मैंने आपको यहां पे दे रखा है चार्ट के फॉर्मेट में बट आप इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा बिकॉज आईसीआई के मॉड्यूल में है ना ये फेसलेस असेसमेंट तो ऑब्वियसली उन्होंने दे रखा है बिकॉज दिस इज द सेक्शन बट फेसलेस अपील एंड फेसलेस पेनल्टी है ये इसकी सेक्शन नहीं है ये सिर्फ अभी नोटिफिकेशन के थ्रू है और नोटिफिकेशन के लिए उन्होंने आईसीआई के मटेरियल में दे हैव गिवन दैट इफ यू नीड टू रीड द नोटिफिकेशन यू कैन फॉलो द इनकम टैक्स का वेबसाइट वहां जाके आप देख सकते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि फेसलेस अपील और फेसलेस पेनल्टी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है बट फेसलेस असेसमेंट से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज ये ऑलरेडी एक सेक्शन के फॉर्म में है और वो सेक्शन का नंबर है वन फोर्टी फोर बी ठीक है चलिए तो यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है फेसलेस असेसमेंट नाउ हम एक टॉपिक पे चलेंगे और उस टॉपिक का नाम है अपील्स एंड रिविजन सो so, अब अपन बात करते हैं अपील की अपील देखो चार लेवल पे होती है सबसे पहले अपील होती है सीआईटी अपील उसके बाद आई टेट उसके बाद हाई कोर्ट उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक चीज ध्यान रखना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हैं जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो उसके में, आई टेट इज द लास्ट फैक्ट फाइंडिंग ऑथोरिटी आई टेट के बाद नहीं जा सकते क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है जैसे आई कैन टेक एक्जाम्पल आपने कोई परचेज के बिल डाले रखे है वो परचेज के बिल बोगस है या ट्रू है ये क्या है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो इससे रिलेटेड कोई अपील है तो सिर्फ आई टेट तक ही जा सकती है उसके आगे नहीं जा सकती हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ लॉ

लगेगा और अगर अपील है वो इनकम से रिलेटेड नहीं है तो टू फिफ्टी रुपीज का मेमोरेंडम ऑफ अपील करना रहता है, अब आता है कि सर सी अपील अपना जजमेंट कब तक देगा जजमेंट देगा वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच अपील वॉज फाइल वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फिनेशियल ईयर इन विच अपील वेर एवर पॉसिबल वेर एवर पॉसिबल का मतलब होता है कि एडवाइजरी टाइम लिमिट ये कोई बाइंडिंग टाइम लिमिट नहीं है ये एडवाइजरी टाइम लिमिट है आजकल सीआईटी अपील के जजमेंट दो साल चार साल पांच साल

कोई रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है या फिर उसके बाद में यहां लंबी चौड़ी एक लिस्ट दे रखी है ये सब ऑर्डर की तो यहां पे ये लिस्ट याद नहीं रहने वाली आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अगर कोई भी असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है या इंटीमेशन जनरेट किया तो जा सकते हैं तो उसमें एक कंडीशन है, है वो आप पे करके जा रहे हो मीन जो आपने रिटर्न फाइल किया था बहुत बार क्या होता है रिटर्न दिया आपने टैक्स पे नहीं किया तो रिटर्न फाइल कर दिया टैक्स पे नहीं किया तो अरे यार रिटर्न इनकम पे जो टैक्स बनता है वो तो एटलीस्ट आप पे करो और फिर आप अपील में रिटर्न इनकम पे जो टैक्स बनता है वो पे करने के बाद ही आप अपील में जा सकते हो लेकिन एक चीज समझना अगर आपने रिटर्न फाइल किया ही नहीं था तो यहां पे लॉ बोलता है कि आपको एटलीस्ट आपका जितना एडवांस टैक्स बनता है उतना आप टैक्स पे करके सीआईटी अपील में जा सकते हैं जितना आपका एडवांस टैक्स बनता है उतना टैक्स पे करके आप सीआईटी अपील में जा सकते हैं लेकिन अगर इसमें लगता है सीआईटी अपील को कि आपको इसमें रिलीफ दे, दे देनी चाहिए तो वो रिलीफ दे सकते हैं अगर उनको लगता है कि एडवांस टैक्स जितना आप टैक्स ना पे करके भी आप अपील में आओगे तो चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं वो आपको रिलीफ देना चाहे तो यहां पे रिलीफ दे सकते हैं अब एक और चीज समझना सी आई अपील के बाद में हम जाते हैं आईटेट अपील आईटेट में अपील कैसे होती है तो आईटेट में में बता दूं पहली चीज तो आईटेट में बेंचेस लगती है बेंचेस का मतलब होता है पैनल ऑफ जजेस जजेस के पैनल होते हैं वहां पे ऐसे एक जज नहीं होता मिनिमम है वो दो जज होते हैं अगर के, ठीक है उसको बोला जाता है पैनल ऑफ जजेस अब एक बात समझना हमेशा

किसी केस में बहुत ज्यादा लाइक यू कैन से दैट द लाइक कहीं पे जुडिशियल वगैरह को चैलेंज किया गया है और कोई ऐसा ऐसा मैटर है जहां पे जरूरी है कोई स्पेशल बेंच बनाना तो उस केस में आईटेट में क्या होता है कि थ्री मेंबर फाइव मेंबर सेवन मेंबर नाइन मेंबर इलेवन मेंबर थर्टीन मेंबर इतनी बड़ी बेंच भी बना सकते हैं और उस बेंच को बोला जाता है स्पेशल मेंबर बेंच आपने बहुत बार देखा होगा कि बॉम्बे के आईटेट का स्पेशल मेंबर स्पेशल बेंच का ये जजमेंट है तो स्पेशल बेंच का मतलब होता है कि जहां पर थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन मेंबर्स होते हैं उसको स्पेशल बेंच बोला जाता है अब एक चीज समझ था? सर ITET में में ऐसा भी तो तो हो हो सकता है है जब दो मेंबर मेंबर तो उसके दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट जाए, वन सेज कि कि दिस एक्सपेंडिचर शुड बी अलाउड, सेकंड बोलता है कि नहीं नहीं ये तो डिस होना चाहिए तो उस केस, केस, केस प्रेसिडेंट क्या करता है प्रेसिडेंट किसी और इंडिविजुअल मेंबर को रेफर कर लेता है और इंडिविजुअल जिस पार्ट में जजमेंट देता है उसके अकॉर्डिंगली आईटेट है वो जजमेंट दे देती है मेजोरिटी बेस पे तो मैंने क्या बोला कभी कभी मेंबर है वो इक्वली डिवाइडेड हो जाते हैं तो उस केस केस में case है वो प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है और प्रेसिडेंट क्या करता है कि किसी और इंडिविजुअल मेंबर को केस ट्रांसफर कर देता है और इंडिविजुअल मेंबर को जब केस ट्रांसफर किया और अगर जो इंडिविजुअल मेंबर जो जजमेंट देगा उसके हिसाब से फिर वो है केस का जजमेंट आएगा अब एक और क्वेश्चन ही आता है कि सर एक बात बताइए आप जो बोल रहे हैं कि आईटेट में ये जो जजेस होते हैं क्वेश्चन ही आता है कि इसमें कौन कौन होता है करके ठीक है तो मैं आपको बताऊं देखो जब भी आप आईटेट में अपील करते हो ना तो यहां पे जो जजेस होते हैं वो दो तरीके मतलब दो मेंबर होते हैं एक तुम्हारा होता है अकाउंटेंट मेंबर और एक होता है तुम्हारा जुडिशियल मेंबर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर अकाउंटेंट मेंबर कौन बन सकता है तो मैं बता दूं अकाउंटेंट मेंबर है वो कौन बनता है अकाउंटेंट मेंबर है वो कौन बनता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका ट्वेंटी फाइव का प्रैक्टिस हो चुका है चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसका 25 फाइव का प्रैक्टिस हो चुका है या फिर कोई भी आई आर एस ऑफिसर इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर जो कि पीसीआईटी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या उसकी इक्विवेलेंट या हायर पोस्ट पे रहा है एटलीस्ट फॉर द टू ईयर्स तो मैंने क्या बोला अकाउंटेंट मेंबर कौन बनेगा अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसका 25 इयर्स का प्रैक्टिस हो चुका है और एनी लाइक इंडियन रेवेन्यू सर्विस का ऑफिसर जो कि पीसीआईटी और इक्वेलेंट और हायर पोस्ट पे रहा है एटलीस्ट टू इयर्स और उसने जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल और एडजुडिकेटिंग फंक्शन परफॉर्म किया है एटलीस्ट थ्री ईयर्स तक वो पर्सन को अकाउंटेंट मेंबर बनाया जाता है जुडिशियल मेंबर कौन बनता है तो अगर कोई भी एडवोकेट है जो ट्वेंटी फाइव तक प्रैक्टिस किया है फ एनी एडवोकेट प्रैक्टिस फॉर द ट्वेंटी फाइव ईयर्स वो बनता है जुडिशियल मेंबर या फिर कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा है 10 ईयर्स तक डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रहा है 10 ईयर्स तक या फिर जो इंडियन लीगल सर्विस का कोई मेंबर रहा है और उसने जो ज्वाइंट सेक्रेटरी या एनी इक्वेलेंट और हायर पोस्ट है वो टू इयर्स तक रखी है उसको बनाते हैं जुडिशियल मेंबर तो देखो आईटेट में जो जजेस रहते हैं एक रहता है अकाउंटेंट मेंबर एक होता है जुडिशियल मेंबर अकाउंटेंट मेंबर कौन बन सकता है चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कोई आई ऑफिसर जिसने टू ईय या उससे ज्यादा लिए एटलीस्ट पीसीआईटी इक्वेलेंट या हायर पोस्ट पे रहा है उसके बाद जुडिशियल मेंबर कौन बनता है? अगर कोई था, या एडिशनल था जो टेन रहा है एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एडिशनल सेक्रेटरी एनी इक्वेलेंट या हायर पोस्ट पे रहा है या कोई एडवोकेट जिसने ट्वेंटी फाइव का प्रैक्टिस कंप्लीट किया है तो वो पर्सन जो है वो तुम्हारा बन सकता है जुडिशियल मेंबर अब एक बात समझना ये जो

एटलीस्ट सेवन ईयर्स के लिए उसने ड्यूटी परफॉर्म की है सर्विस परफॉर्म की है सेवन ईयर्स के लिए हाईकोर्ट का जज रहा है सिटिंग जज या फिर तुम्हारा रिटायर्ड जज है उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे या फिर कोई वाइस प्रेसिडेंट रहा है मिस इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट रहा है वो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट में प्रमोट किया जाता है ये तुम्हारे आईटेट में मेंबर्स में में होते हैं अब एक चीज समझना अपन वापस बात कर रहे हैं आईटेट की तो आईटेट में मैंने आपको बताया कि आईटेट में क्या होता है कि जो भी जजमेंट आता है वो जजमेंट बेंच देती है बेंच जो है वो है वो जजमेंट देती अब क्वेश्चन ये आता है कि आईटेट में हम अपील कब तक फाइल कर सकते हैं तो जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में आप अपील में जा रहे हो उसके सिक्सटी डेज के अंदर अंदर आप आईटेट में अपील फाइल कर सकते हैं लेकिन यहां पे अगर डीले होता है तो वो डीले को अलाउ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आईपीएल में अपील फाइल करने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है फॉर्म

1% ऑफ असेस्ड इनकम और मैक्सिमम टेन थाउजेंड का आपका फीस लगेगा तो मैंने क्या बोला आईटेट में जब भी आप अपील में जाते हो तो ITET में अपील में जाते हो, और है, उतने का आपका फीस लगेगा अब एक चीज समझना अगर कोई अपील की है जिसमें असेस्ड इनकम का क्वेश्चन नहीं है जैसे फॉर एक्साम्पल किसी ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था और आप ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में अपील में जा रहे हैं तो फाइव हंड्रेड रुपीज का आपको फीस है वो फीस पे करना पड़ेगा

या डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड नहीं है तो उस केस में आप आईटेट में अपील में जा सकते हो तो यहां पे सीआईटी अपील के ऑर्डर में चले जाओ या फिर एक 263 का रिविजनल ऑर्डर होता है उसके अगेंस्ट में आप आईटेट में अपील में जा सकते हो या फिर मैंने असेसमेंट आपको बताया था बता जो डीआरपी के डायरेक्शन की वजह से डिपार्टमेंट ऑर्डर पास करता है तो डीआरपी के डायरेक्शन की वजह से जो ऑर्डर पास होता है क्योंकि डीआरपी एक थ्री सीआईटी का टेब रहता है उनके डायरेक्शन की वजह से कोई भी ऑर्डर पास होता है तो उस केस में सीधा एसेससी कहां जाएगा आईटेट में जाएगा एक और चीज समझता यहां यहाँ पे अगर एक वन बीए का ऑर्डर होता है वन ये के डायरेक्शन के हिसाब से ये क्या होता है कि गार के केस में अगर जो सीआईटी पीसीआईटी अप्रूवल देते हैं और उसके हिसाब से अगर ऑर्डर पास होता है तो सीधा आईटेट में अपील में जाएगा उसके बाद आप ऐसे याद रखिए कि अगर कोई भी सीआईटी का ऑर्डर है या सीसीआईटी का ऑर्डर है डी का ऑर्डर है डीजीआईटी का ऑर्डर है पीसीआईटी का ऑर्डर है पीडीजीआई का ऑर्डर है या पीसीसीआईटी का ऑर्डर है पीडी का जो बॉसेस के ऑर्डर होते हैं अगर कोई भी बॉसेस का ऑर्डर है तो उस केस में आप सीधा आई टेट में अपील में जाएंगे आप ऐसे याद रखेंगे जो भी बॉसेस के ऑर्डर है उसके केस में आप सीधा अपील में कहां कहा जाएंगे आई टेट में अब एक और चीज समझना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है और एग्जाम में यह क्वेश्चन चार मार्क का आ सकता है क्वेश्चन ये आता है कि सर रोक लगाना, रोक लगाना ये क्या होता है फॉर एग्जांपल yes, आपका असेसमेंट हुआ असेसमेंट के बाद आपकी डिमांड निकली टू करोड़ की आपको वो डिमांड नोटिस थर्टी डेज में पे करना रहेगा नहीं तो आप असिस्टेंट डिफॉल्ट बन जाओगे आपको पेनल्टी लग जाएगी उसके बाद रिकवरी प्रोसीडिंग है वो चालू हो जाएगी टैक्स रिकवरी ऑफिसर है वो आपके घर के बर्तन बेचने चालू कर देगा तो ये होती है रिकवरी तो क्या रिकवरी पे स्टे लगाने का पावर है तो देखो असेसिंग ऑफिसर के पास भी है सीआईटी अपील के पास भी है वो दोनों किसी भी केसेस में आपको स्टे दे सकते हैं अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आई से रिलेटेड आता है क्या आई के पास ये पावर है कि आपको स्टे ऑफ डिमांड दे दे कि भाई आपका जो केस पेंडिंग है तो जो आपका रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो उस पर स्टे लगा दे रोक लगा दे ये पावर क्या आई के पास है आंसर इज है लेकिन एक चीज ध्यान रखना आई जो है वो आपको स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है मैक्सिमम वन डेज के लिए आईटेट आपको ऑफ डिमांड दे सकता है मैक्सिमम 180 डेज के लिए और वो भी तब देगा व्हेन यू ऑलरेडी पेड द 20% परसेंट ऑफ योर अमाउंट ड्यू मीन आपका जो अमाउंट ड्यू था उसका एटलीस्ट 20% परसेंट तक आपने पे कर दिया है तो आईटेट आपको 180 डेज के लिए स्टे ऑफ डिमांड दे सकता है बट सपोज विद इन वन डेज ये अपील आपकी रिजोल्व नहीं होती है तो क्या वो डिमांड का जो स्टे था उस पीरियड को बढ़ाया जा सकता है आंसर इज यस बढ़ाया जा सकता है लेकिन ध्यान रखना जो टोटल पीरियड है ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड है वो कभी भी थ्री डेज से ज्यादा नहीं हो सकता ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड है वो कभी भी थ्री डेज से ज्यादा नहीं हो सकता मैक्सिमम पीरियड थ्री डेज रहेगा तो देखो मैंने क्या बोला नॉर्मली वन डेज के लिए स्टे ऑफ डिमांड दे सकते हैं बट सपोज विद इन विदिनटी डेज अपील इज नॉट रिजोल्व इन दैट केस इट कैन बी एक्सटेंडेड बट मैक्सिमम टाइम ओरिजिनल प्लस एक्सटेंडेड का मिस्टेक नहीं है, यहां मिलेगा जब का कोई नहीं है तो उस में मैक्सिमम 365 डेज के बाद ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगा 365 डेज के बाद में क्या एस को टैक्स है वो एस को टैक्स भरना ही पड़ेगा यहां पे एक आता है पेप्सी फूड्स का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट टू का जजमेंट आप देखेंगे अपने कॉम्पैक्ट में और लास्ट में जो एडिशनल केस लॉस दे रखे ना वहां पे एक पेप्सी फूड्स का केस लॉ दे रखा है वो केस को आप मार्क कर लेना एग्जाम में आने वाला है वो केस लॉ और पेप्सी फूड्स के केस लो में वहां पे ये बोला हुआ है कि देखो 365 डेज यहां लिखा हुआ है बट अगर एसएससी का कोई मिस्टेक नहीं है एसएससी के पार्ट पे कोई मिस्टेक नहीं है जैसे कोविड में क्या हुआ कि बहुत बार हियरिंग हुई नहीं तो केस सॉल ही नहीं हुआ और बहुत टाइम तक चलता रहा तो आप बोलोगे 365 डेज के बाद में जो स्टे है वो वेकेट हो जाएगा लेकिन इसमें एस को कोई मिस्टेक नहीं है तो उस केस में भैया स्टे वेकेट नहीं होगा एस को 365 डेज के बाद भी स्टे मिल सकता है कोई दिक्कत नहीं है यहां पे ऐसा पेप्सी फूड्स के, के केस लॉ में बोला हुआ है इन द सुप्रीम कोर्ट आप वो केस लॉ को लेक्चर को पॉज करके वो केस लॉ को आप एक बार देख लो आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि एक कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड मोको मोको का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जब भी कोई एक पार्टी आईटेट में

नोटिस मिलता है अपील का कि भाई आगे वाली पार्टी ने अपील कर दी है तो आपको जो नोटिस मिलेगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर एक फॉर्म नंबर 36 ए में आप मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि आगे वाली की अपील है वो क्यों लाइक like, सही अपील नहीं है समथिंग लाइक like अगर आप कोई रोना चाहते हैं तो रो सकते हैं उसमें फॉर्म नंबर थर्टी ए में जाएगा 30 डेज में और इसका कोई भी फीस नहीं रहता है अब एक चीज समझना यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि सर सीआईटी अपील और आई के पावर में क्या फर्क है सीआईटी अपील और आई के पावर में क्या फर्क है और ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है समझना कौन सा बनेगा मैं बताता हूं सबसे पहली चीज क्या ये असेसमेंट में जो ने इनकम बताई थी उस इनकम को कम कर सकते आंसर इज यस दोनों कर सकते हैं सीआई अपील भी कर सकता है आई भी कर सकता है इसीलिए तो हम उनके पास जा रहे हैं क्या ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो एओ ने किया था वो सही था आंसर इज यस सीआईटी अपील भी कर सकता है आई भी कर सकता है दोनों कंफर्म कर सकते हैं क्या ये इंक्रीज कर सकते हैं मिस एओ ने इनकम बताई थी एओ ने बोला कि आपकी इनकम टेन लैख सीआईटी अपील क्या उसको ट्वेंटी लैख कर सकता है आंसर इज यस सीआईटी अपील कर सकता है एनहांस है वो सीआईटी अपील कर सकता है आई के पास ये पावर नहीं है है है, वो कम कर सकता है। confirm कर सकता सकता बट आई टेट इंक्रीज नहीं कर सकता बट सी अपील कर सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में हम बोलते हैं सीआईटी अपील तो डिपार्टमेंट का ही एक्सटेंशन है तो वो कर सकता है आपके पेट में दर्द था बोला मेरे पेट में दर्द है वो एक और आपको घुसा मारेगा करके ठीक है तो सीआईटी अपील के पास ये पावर है आई टेट के पास नहीं है

क्या सर ये जो है जो डीले है थर्टी डेज और सिक्सटी डेज में अपील फाइल करनी रहती है ये डीले को कंडोन कर सकते हैं आंसर इज यस yes. ये डीले को अलाउ कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इनको अगर कुछ फर्दर इंक्वायरीज करनी है तो क्या ये इंक्वायरीज कर सकते हैं आंसर इज यस इंक्वायरीज कर सकते हैं अब एक और चीज समझना रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक कर सकते हैं

आईटी रेक्टिफाई करता है अंडर सेक्शन 254

क्या ये एडिशनल एविडेंसेस अलाउ कर सकते हैं क्या एडिशनल एविडेंसेस क्या होते हैं पता है ऐसे एविडेंसेस जो पहले आपने एओ के सामने नहीं रखे थे ऐसे सबूत जो पहले आपने एओ के सामने नहीं रखे थे अब सीधा आप सीआईटी अपील या टेड के सामने वो सबूत रखना चाहते हो एविडेंसेस रखना चाहते हो तो क्या वो अलाउ करेंगे मैं बता दूं यहां सीआईटी अपील है वो एडिशनल एविडेंसेस अलाउ करेगा चार केसेस में देर आर फोर कंडीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जामिनर बहुत बार पूछता है yes रिजेक्ट कर दिया दूसरा उन्होंने मांगा था आपने दिया नहीं ड्यू टू द सफिशिएंट कॉज मींस दे डिमांडेड यू कुड नॉट फर्निश ड्यू टू सफिशिएंट कॉज और तीसरा दे हैव नॉट डिमांडेड बट आप देना चाहते थे वो एडिशनल एविडेंसेस इन फ्रंट ऑफ द एओ बट यू कुड नॉट फर्निश ड्यू टू द दफिशियंट कॉस्ट एंड लास्ट बिना अपॉर्चुनिटी दिए अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट कर दिया तो ये चार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एडिशनल एविडेंसेस है वो सीआईटी अपील है वो एडमिट कर सकता है तो मैंने बोला सीआईटी अपील चार केसेस में एडिशनल एविडेंसेज एडमिट कर सकता है कौन कौन से चार केसेस सबसे पहला सबसे पहला आपने दिया था उसने लिया नहीं उसने मांगा था आपने दिया नहीं क्योंकि आपके पास था नहीं तीसरा उसने मांगा नहीं आपने दिया नहीं बिकॉज आपके पास था नहीं और चौथा बिना अपॉर्चुनिटी दिए असेसमेंट कंप्लीट कर दिया तो ये चार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एडिशनल वो सीआईटी अपील एडमिट कर सकता है कौन कौन से फर्स्ट यू

कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट में अपील कैसे फाइल करनी है क्या है वो सब सिविल प्रोसीजर कोड 1908 से गवर्न होता है उसमें इनकम टैक्स एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है हाई कोर्ट के पास पावर है रिव्यू करने का उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अब एक और चीज समझना सुप्रीम कोर्ट में आप तभी जा सकते हैं जब हाई ये लिख के देता है कि दिस केस इज फिट एट सुप्रीम कोर्ट अगर हाईकोर्ट बोलता है कि नहीं नहीं ये केस फिट नहीं है सुप्रीम कोर्ट लेवल पे तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट में आप अपील में नहीं जा सकते और यहां पे भी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है उससे गवर्न पूरा होता है चलिए अब अपन चलते हैं आगे रिविजन वाले पार्ट पे रिविजन अंडर सेक्शन 263 ये 263 का रिविजन क्या होता है बहुत ही सिंपल सा है एक बात समझना आप लोग कि क्या होता है कि जो बॉसेज होते हैं ना डिपार्टमेंट में बॉसेज कौन होते हैं चार लोग होते हैं एक तो होता है तुम्हारा सीआईटी एक होता है तुम्हारा पीसीआईटी एक इसका भी लाइक ऊपर वाला होता है सीसीआईटी और इसका ऊपर वाला होता है पीसीसीआईटी ये चार लोग और इनके नीचे होते हैं एओ दैट इज द जेसी जेसी एसीडीसी एंड आईटीओ एसीडीसी एंड आईटीओ अब एक बात समझना ये जो असेसिंग न, असेसिंग ऑफिसर ऑफिसर है ना ने मान लो कोई असेसमेंट ऑर्डर पास किया और असेसमेंट ऑर्डर पास करने के बाद जो फाइल होती है वो फाइल को कौन देखता है ये बॉसेस देखते हैं तो बॉसेस जब फाइल को देख रहे थे और फाइल को देखते देखते पता चला कि भैया जो ऑर्डर पास किया है ना एओ ने वो एरोनियस है ओ ने जो ऑर्डर पास किया है वो एरोनियस एरोनियस का मतलब होता है इट कंटेनिंग मिस्टेक एंड इट इज प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट मींस डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है दिस ऑर्डर इज एरोनियस एंड डिपार्टमेंट के लिए हार्मफुल है तो उस केस में ये बॉसेस के पास पावर है कि वो क्या कर सकते हैं पता है रिवीजन ऑर्डर 263 का पास करके या तो खुद ही पूरा रिवीजन कर सकते हैं या फिर उस एओ के ऑर्डर को कैंसिल करके और एओ को बोल सकते हैं कि जस्ट मेक द फ्रेश असेसमेंट फ्रेश असेसमेंट के लिए एओ को वापस से केस रेफर कर सकते हैं अंडर सेक्शन 263 तो देखो मैंने क्या बोला ये जो बॉसेस रहते हैं वो बॉसेस क्या कर रहे थे रिकॉर्ड देख रहे थे मींस फाइल देख रहे थे फाइल को देखते टाइम पता चला कि एओ ने जो ऑर्डर पास किया है दैट ऑर्डर इज एरोनियस एंड इट कंटेनिंग द मिस्टेक एंड ड्यू टू दैट इट इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट तो उस केस में वो क्या करेंगे 263 का रिविजनल ऑर्डर पास कर देंगे

या फिर उसको कोई ना कोई उसने जो रिलीफ अलाउ है विदाउट इंक्वायरी इनटू द क्लेम जैसे मान लो आपको एटीसी का रिलीफ दे दिया बट आपने उसने एलआईसी का स्लिप वगैरह तो देखा ही नहीं या फिर उसने क्या किया पता है सीबीडीटी के कोई सर्कुलर जो है या डायरेक्शन है या इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो ही नहीं किया है या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट है या हाई कोर्ट का ऐसा जजमेंट है जो एस के अगेंस्ट में था उस जजमेंट को उसने फॉलो नहीं किया तो ये चार केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एओ का ऑर्डर है वो डीम टू बी एरोनियस माना जाएगा कौन कौन से सबसे पहले विदाउट मेकिंग द इंक्वायरी वेरिफिकेशन दूसरा कोई ऐसा क्लेम उसने अलाउ कर दिया उसके क्लेम को चेक किए बिना ही उसने रिलीफ अलाउ कर दी तीसरा उसने सीबीडीटी के जो भी सर्क्यूलर है या इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन है उसको फॉलो नहीं किया या कोई सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था या जुडिस्टिकल हाईकोर्ट का जजमेंट था जो एस के फेवर में नहीं था उसको उसने फॉलो

पहली चीज तो ये रिवीजन कब तक हो सकता है मैं बता दूं टू इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास जब एओ ने ऑर्डर पास किया था उस ईयर के एंड से टू इयर्स के अंदर अंदर टू एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज इयर्स फ्रॉम द द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑर्डर वाज पास ये रिविजन हो सकता है अब एक और चीज समझना अगर मान लो 263 के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील में जा सकते हो कहां पे जाओगे सीधा आई में क्योंकि यहां पे सीआईटी पीसीआईटी सीसीआईटी पीसीसीआईटी लेवल के बंदे जो रिवीजन कर रहे हैं तो आप सीधा कहां पे जाएंगे आई में जाएंगे एक और चीज समझना यहां पे अगर एओ का कोई ऑर्डर था और उसका कुछ पॉइंट है कुछ जो पार्ट है ऑलरेडी इनटू अपील अपील में डिसाइड हुआ है या अपील में कंसीडर हुआ है तो उस केस में उस पार्ट पे रिविजन नहीं हो सकता बाकी वाले पार्ट पे रिविजन हो सकता है यहां पे पार्शियल मर्जर का जो डॉक्ट्राइन है उसको कंफर्म किया हुआ है अब एक और चीज समझना यहां पर जिस दिन वो चेक करता है ना जिस दिन वो चेक करता है फाइल कौन सी या पीसीआईटी और सीसीआई मीस बॉसेस जो है वो जब चेक कर रहे होते हैं फाइल उस चेक कर रहे होते हैं उस डेट को जो जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है उस रिकॉर्ड के बेसिस पे उसको लगता है कि आपका ऑर्डर है 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 वो एरोनियस का तो उस केस में रिवीजन हो सकता है। अब एक चीज समझना एक और होता है दैट इज द 264 264 का 264 का रिवीजन रिवीजन है वो अससी के लिए फेवरेबल होता है ये क्या होता है कि या तो जैसे ही आपके पास असेसिंग ऑफिसर का ऑर्डर आ जाता है और उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप या तो सीआईटी अपील में जाओगे नहीं तो आप एक काम करिए 264 का एप्लीकेशन कर सकते हैं बॉस को सीआईटी पीसीआईटी सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, इनको आप एप्लीकेशन कर सकते हैं टू फोर के लिए या फिर क्या होता है बहुत बार जब वो रिकॉर्ड को चेक कर रहा होता है कौन

तो मैं बताऊं 264 अगर बॉसेस खुद कर रहे हैं ओन मोशन कर रहे हैं तो वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर पास किया था उसके वन ईयर के अंदर अंदर ये 264 कर सकते है. क्या कर सकता है विद इन वन ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑर्डर इज जिस डेट को आपको ऑर्डर रिसीव होता है उसके वन ईयर के अंदर अंदर आप अपील कर, कर सकते हैं अगर आपने एप्लीकेशन किया विल

मिस 264 का ऑर्डर है ना वो नॉन अपीलेबल ऑर्डर है मिस इसके अगेंस्ट में आप, आप आई वगैरह में नहीं जा सकते तो एक बताओ, आपके, आपके क्लाइंट के पास जब भी एओ का ऑर्डर आता है तो आप उसको क्या रिकमेंड करते हो सीआईटी अपील में जाना या सीआईटी इसके एडमिन के पास में बोसेस के पास में रिविजन के लिए जाना आप हमेशा उसको प्रिफर करवाते हो सी अपील क्योंकि सीआईटी अपील में हार भी गए तो आप आई में जाओगे हाईकोर्ट में जाओगे सुप्रीम कोर्ट में जाओगे बट यहां टू में उसने आपकी हेल्प नहीं की तो आप कहीं नहीं जा सकते आपको अपने घर पर आना पड़ेगा सो ऑलवेज अवर क्लाइंट इज लाइक ट्राई टू गो

एक्सक्लूसिव पावर है और यहां पे इसको बोला जाता है टोटल मर्जर क्या बोला जाता है टोटल मर्जर अब एक चीज समझना इन फ्यूचर जो है ये सब फेसलेस हो जाएगा इन फ्यूचर है ये सब चीजें फेसलेस हो जाएगी अब एक और चीज समझना मैं आपको बताऊं रिवि अंडर सेक्शन टू सिक्सटी थ्री टू ऑर्डर का होता है इंटीमेशन का रिविजन नहीं होता जो है तीन चीजें एक तो आपका इनकम स्केपिंग असेसमेंट कर सकते वन फोर्टी सेवन में वन फिफ्टी फोर का रेक्टिफिकेशन भी कर सकते थ्री कर सकते हैं वैसे असे, थ्री रेमेडीज है या अगर उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो रेक्टिफिकेशन करवा सकता है या फिर सीआईटी अपील में जा सकता है या

केस पेंडिंग है एओ के पास में तो उस केस में क्या होता है पता है कि लेकिन आप अगर एओ से रिक्वेस्ट करो और एओ को बोल दो कि सर अगर आप बोलते हैं तो जो भी हमारा जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा जजमेंट आप इस ईयर पे भी अप्लाई कर दोगे वो जजमेंट आप इस ईयर पे भी अप्लाई कर दोगे तो हम आगे रेपिटेटिव अपील नहीं करेंगे हम आगे रेपिटेटिव अपील नहीं करेंगे अगर एओ इस चीज को मान लेता है वो आपको लिख के दे देता है कि चलो कोई बात नहीं जो तुम्हारा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा वो वाला जजमेंट है वो मैं बाकी वाले ईयर्स जो है जो अदर इ है उस पर भी मैं अप्लाई कर दूंगा उस जजमेंट को तो उस केस में आग, आपको आगे अपील करने की जरूरत नहीं है दैट इज कॉल्ड अवॉइडेंस ऑफ द रेपिटेटिव अपील बट मान लो एओ नॉट अग्री इन दैट के सीआईटी अपील पे जाओ सीआईटी अपील से रिक्वेस्ट करो वो अग्री हो जाएगा सीआईटी अपील नॉट अग्री देन आप आईटीए में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो तो एक बार मैं वापस बोलू देखो हुआ क्या एक एसएससी है उसका वन केस इज ऑलरेडी पेंडिंग विद द हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड ऑन द सेम एसएससी ऑन द सेम इशू अदर केसेस पेंडिंग विद द एओ सीआईटी अपील और आईटीए तो उनसे आप बोलिए कि सर प्लीज आप हमको सिर्फ ये लिख के दे दीजिए कि जो हमारे उस जजमेंट का उसका जजमेंट आएगा वो आप हमारे इस इस जजमेंट पे पे ईयर भी अप्लाई कर देंगे तो हम आगे अपील में नहीं जाएंगे अब एक होती है, 158 AA. 158 AA क्या बोलती है कि अगर कोई एस है जिसका हाईकोर्ट का जजमेंट आया था इन द फेवर ऑफ एस किसी एस के केस में हाईकोर्ट का जजमेंट आया था इन द फेवर ऑफ एस और डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट चला गया अब सेम एसएससी के केस में सेम इशू पे सीआईटी सीआईटी अपील अपील का 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 जजमेंट जजमेंट आया किसी और का. किसी और और ईयर ईयर आया वो भी एसएससी के फेवर में आया तो जैसे ही एस के फेवर में आया तो डिपार्टमेंट कहां जाएगा आईटेट में जाएगा अब एक बात समझना डिपार्टमेंट आईटेट में जाने का टाइम लिमिट रहता है सिक्सटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द सीआईटी अपील का ऑर्डर अब एक बात समझना डिपार्टमेंट आई टेट सिक्सटी डेज में जाता है लेकिन यहां पे डिपार्टमेंट एस से रिक्वेस्ट करता है और एस को बोलता है कि अरे भाई अगर आप बोलो तो हम आई में अभी नहीं जाएंगे हम आई में तब जाएंगे जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा आप ही के, के केस में में सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है सेम इशू पे तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब हम आई में जाएंगे अगर आप ये मानते हो तो अगर एसएससी नहीं मानता तो तो डिपार्टमेंट हाथ हाथ आई में चला जाएगा बट अगर एस अग्री हो जाता है तो उस केस में डिपार्टमेंट आई में अभी नहीं जाएगा डिपार्टमेंट आई में तब जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा अब एक बात बताओ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर एसएससी के फेवर में आ गया तो क्या डिपार्टमेंट आई में जाएगा आंसर इज नो क्योंकि ऑलरेडी सीआईटी अपील का जजमेंट है वो एसएससी के फेवर में है बट अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो डिपार्टमेंट के फेवर में आ गया देन डिपार्टमेंट क्या करेगा आई जाएगा और आई है वो जजमेंट को डिपार्टमेंट के फेवर में कर देंगे यू गॉट माई पॉइंट और नॉट यस अब एक चीज समझना एक सेक्शन होती है टू सिक्सटी एट ए क्या बोलती है टू क्या बोलती है डिपार्टमेंट जो होता है ना वो डिपार्टमेंट छोटे छोटे केसेस में अपील में नहीं जाता डिपार्टमेंट तभी अपील में जाता है जब उसका टैक्स इफेक्ट किसी पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है कौन सी लिमिट दे देखिए डिपार्टमेंट आईटेट में अपील तभी करता है 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 जब टैक्स टैक्स इफेक्ट इफेक्ट वो 50 लाख से ज्यादा इज मोर देन देनिफ्टी लैख तभी डिपार्टमेंट आई में जाता है में डिपार्टमेंट तभी जाता है जब टैक्स इफेक्ट वन करोड़ से ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट में तभी जाता है जब टैक्स इफेक्ट है वो टू करोड़ से ज्यादा है मीस जितना टैक्स इफेक्ट डिपार्टमेंट को मिलने वाला है वो अगर फिफ्टी लेक से ज्यादा है तो ही डिपार्टमेंट आई में जाता है हाईकोर्ट में तभी जाता है

उस difference पे not, उस difference पे पे उस आपको 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 20% 20% रहता रहता है याद है 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 याद 115 QA. क्या बोलती 12% 4% 23.296% वो रहता है, है, है। असेसी ने कोई टैक्स भरा नहीं असेसमेंट में क्या हुआ डिपार्टमेंट ने बोला कि आपको टैक्स भरना पड़ेगा डिपार्टमेंट ने टैक्स भरवाया और ऑर्डर बना दिया अब यहां पे क्वेश्चन कि लाइक मेरा असेस्ड इनकम चेंज नहीं हुआ क्योंकि जो सेक्शन वन वन है वो एक एडिशनल टैक्स होता है वो आपकी असेस्ड इनकम चेंज नहीं होती योर टोटल इनकम इज सेम तो असेसी बोलता है कि मेरा टोटल इनकम तो चेंज हुआ ही नहीं तो मैं सीआईटी अपील में तो नहीं जा सकता तो असेसी ने क्या किया सीधा हाईकोर्ट में अपील फाइल कर दिया असेसी ने डायरेक्टली हाईकोर्ट में अपील फाइल कर दिया अब क्वेश्चन ये आता है कि हाईकोर्ट में अपील फाइल करना सही है या पहले सीआईटी अपील जाना चाहिए तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर यहां पे वन वन की लायबिलिटी को असेसी एससी डिनाई करता है और डिपार्टमेंट बोलता है कि वन वन में टैक्स लगेगा तो असएससी को सीआईटी अपील ही जाना चाहिए यहां सीधा हाई कोर्ट में आप नहीं जा सकते और सीआईटी अपील में जब आप जाओगे तो क्वेश्चन ही आता है ये कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में जा रहे हो यहां असेस, असेस इनकम तो चेंज नहीं हुई है तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एक ऑर्डर होता है दैट इज एन ऑर्डर अगेंस्ट विच एसएससी एससी डिनाई हिज लाइबिलिटी टू बी अड अंडर दिस एक्ट मिस असिस्टी सी डिनाई कर रहा है कि मुझे इनकम टैक्स में टैक्स लगना ही नहीं चाहिए ये ऑर्डर माना जाएगा और सीधा आप सीआईटी अपील में जाओगे कभी भी आप सीधा आई में नहीं जा सकते नेक्स्ट केस लो ब्रोकर एंड शेयर होल्डर

आईटेट ने अपना जजमेंट दे दिया डिपार्टमेंट के फेवर में ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्या एस एस नॉट अपील इन द अपील मिस एस ने मान लो अपील की थी एस एस नहीं हो पाया किसी प्रिस्क्राइब डेट पे तो उन्होंने क्या किया आई ने जजमेंट दे दिया और आई ने अपील को डिसमिस कर दी और ओनली ऑन द रीजन दैट ओनली ऑन द रीजन दैट के हैज नॉट रीजनसीड फॉर द अपील क्वेश्चन ये आता है क्या ये सही है 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 आंसर इज नो यहां पे मद्रास हाई कोर्ट का कहना है कि अगर मान लो जो है, वो वहां अपील में एंटर नहीं हुआ उस दिन अपीयर नहीं हो पाया तो भी आपको जो जजमेंट देना पड़ेगा वो इसके मेरिट्स पे देना पड़ेगा केस के मेरिट्स को देखना पड़ेगा केस के जो भी फैक्ट्स है उसको देखना पड़ेगा और उसके बाद ही आप जजमेंट दे सकते हो

रिव्यू कहां पे करता है जहां पे कोई डिस्कवरी होती है किसी न्यू या इंपोर्टेंट मैटर और एविडेंस की ऐसा कुछ न्यू एविडेंस मिल गया न्यू मैटर मिल गया करके ठीक है जहां आफ्टर एक्सरसाइजिंग ऑफ ड्यू नॉट विद इन द द नॉलेज ऑफ और कुड नॉट बी बाय द हिम पहले वो था नहीं और ऐसा कुछ न्यू न्यू मैटर मिल मिल गया new evidence मिल गया एविडेंस जिसके बेसिस पे हाई को लगता है रिव्यू होना चाहिए तब रिव्यू करते हैं या फिर कोई ऐसा मिस्टेक अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड मिल जाता है या फिर एनी अदर सफिशियंट रीजन है तो रिव्यू होता है लेकिन छोटे छोटे केसेस में या तो रेपिटेशन ऑफ द ओल्ड और ओवर रूल आर्ग्यूमेंट ऑलरेडी आर्ग्यूमेंट हो चुका था वापस उसी को ओवर रूल कर रहे हो से आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उस केसेस में कभी भी आपका रिव्यू नहीं हो सकता और कोई माइनर मिस्टेक है कॉन्सिक्वेंट पार्ट इन दैट केस अगर माइनर छोटी सी मिस्टेक है तो उसके बेसिस पे आपका रिव्यू नहीं होता है करके ठीक है

विदाउट फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन दे हैव नॉट फॉर्मुलेटेड एंडमेंट तो क्या ये सही है? No. सुप्रीम बोलती है कि, कि हाईकोर्ट को अपना क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना पड़ेगा क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने के बाद ही वो जजमेंट दे सकते है उसके बाद स्पेना कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का केस लो उसमें क्या होता है कि लाइक एस एससी हाईकोर्ट में कब तक जा सकता है जाने का टाइम लिमिट रहता है दट इज द

टेलजर डेवलपर 2015 बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंटे करके ठीक है अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अगर मान लो व्हेन द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील इस Completed and appeal is is pending before the 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 CIT, PCIT precluded from the invoking section 263 for the revision of the same matter. उस मैटर पे नहीं कर सकते बाकी वाले मैटर पे कर सकते हैं उसके बाद मैं बता दू ये तीन केस लॉ है लाख as एज वेल एज द न्यू मैंगलोर पोर्ट एंड संचित सॉफ्टवेयर सोल्यूशन मटेरियल से दिया है, इसको आप इग्नोर कर दीजिए तो यहाँ पर

और वो दो कंसेप्ट पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो आपके फटाफट फटाफट क्वेश्चन हो जाएंगे सर ये कौन से कंसेप्ट की आप बात कर रहे हो अभी बताता हूं मैं आप मिसलिनियस टॉपिक में जाएंगे

पे यहाँ पे दे रखे है यहां पे दे रखे है यहां पे असेसिंग ऑफिसर आपकी प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच कर सकता है तो इस क्वेश्चन इस सेक्शन को भी आप ढंग से पढ़ेंगे सेक्शन 4 पेज नंबर 477 से पे दे रखा है क्योंकि असेसमेंट प्रोसीजर में आप देखेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है उसके बाद एक और क्या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन हो सकता है मींस आपके भी यहाँ पे डिपार्टमेंट में कौन जा सकता है तो आपके भी यहां पे आपका चार्ट आपके लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जा सकता है अगर ठीक है या फिर उसमें सीए फर्म भी है लीगल प्रैक्टिशनर है बैंक ऑफिसर है एम्प्लॉय ऑफ द असेससी है वो सब लोग जा सकते हैं तो आप

बाकी आप लोगों के लिए मैंने टेस्ट पेपर बनाए हैं जल्दी आपको मिल जाएंगे और जैसे ही मिल जाते हैं फटाफट फटाफट आप टेस्ट दे देना और प्रिपेयर करते रहना थोड़ा पॉजिटिव रहा करो लाइफ में और खुश रहा करो लाइक like, वो चीज़ें सोच के पढ़ने की कोशिश किया करो कि भाई सी बनने के बाद क्या होता है बिकॉज जब आप सी बनते हैं जब रिजल्ट देखते हैं पहली बार लाइक like जब एक तो वेबसाइट आप, आपने फील किया होगा इन द इंटरमीडिएट आई कि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन हालत खराब हो जाती है और लाइक सुबह से एफ फाइव एफ फाइव रिफ्रेश कर रहे हैं पेज को और एक बार एकदम वो जो लिंक रहती है वो एकदम ब्लिंक करने लग जाती है और बोल्ड हो जाती है जब उस पर क्लिक करते हैं अपने रोल नंबर डालते अपने पिन डालते और सबसे पहले हम देखते हैं नीचे कि क्या हुआ और अगर वो पास लिखा हुआ उसके बाद की जो फीलिंग रहती है दैट इज अमेजिंग आपकी लाइफ का सबसे अच्छा दिन कौन सा रहेगा पता है वो सबसे अच्छा दिन रहेगा पहली और जब वो जो मेहनत करते हैं ना अपन मेहनत के बाद वाला जो वो लाइक पल रहता है ना वो आप भूल ही नहीं पाओगे लाइफ में पहली बार ऐसा होता है जब आपको आंखों में जो खुशी के आंसू आते हैं ना वो उस दिन आते हैं वेन्यू विल कम्प्लीट योर सी और उस दिन जिस तरह आप रिजल्ट देखोगे तो गाइज बस उसके लिए अपने को अभी मेहनत करनी है अपने को पढ़ना है अच्छे से पढ़ते रहो खुश रहा करो और मोटिवेट होके पढ़ा करो बाकी जो चीज़ें आपका टाइम किल करती है जहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी ख़त्म होती है इवन ऑन द सोशल मीडिया या जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपकी टाइम एज वेल एज़ मेंटल हेल्थ है वो ख़राब होता है उन चीज़ों का आप छोड़ो बिकॉज मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है आप मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखा करो बहुत बार ऐसा होता है जब आप बहुत ज़्यादा ऐसे डीमोटिवेट से हो जाते हैं डिप्रेशन सा फील होने लग जाता है तो जस्ट टेक द ब्रेक फॉर वन और टू डेज कोई फर्क नहीं पड़ता एक दो दिन से बिकॉज वो दो दिन वापस आगे जाके रिकवर कर सकते हो आप पढ़ाई को लेके बट आप फिर वापस से री स्टार्ट करिए अच्छे से री स्टार्ट करिए अपने आप को हर दिन एक नया चैलेंज देके चलिए और उस दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करिए मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले सोचिए कि नहीं यार कल जो है कल का दिन है दैट शुड बी अ प्रोडक्टिव और वो आपको प्रोडक्टिव करना है आप इंस्टॉलमेंट में पढ़िए मेस तीन घंटे पढ़े फिर आप ब्रेक लीजिए फिर तीन घंटे पढ़ो फिर आप डेढ़ दो घंटे पढ़ो फिर आप डेढ़ दो घंटे पढ़ो सो so, ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए आपको दिन में एक साथ में सात घंटे आप नहीं बैठ सकते ऑलवेज आप लाइक थ्री आवर्स का स्लॉट बनाइए थ्री आवर्स थ्री आवर्स थ्री आवर्स वैसे करके आप नौ घंटे भी अगर ढंग से पढ़ते हैं और अगर थ्री आवर्स और ले, ले लेते हैं तो बारह घंटे हो जाते हैं अगर आप थ्री थ्री टू टू भी पढ़ लेते हैं ना तो दैट इज द दफिशियंट सिक्स और टेन आवर्स टेन आवर्स इन द लाइक डे आप पढ़िए उसके बाद आप एटलीस्ट फोर्टी फिफ्टी मिनट्स है वो आप टाइम पास करिए घूमने जाइए वॉक करिए जिम जाइए आप योगा करते योगा करिए गाने सुनते हैं गाने सुनिए जो आपको अच्छा लगता है वो करिए बट आप करिए अपने आप को खुश रखिए क्योंकि लाइक like, देखो जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना दिमाग पीसफुल नहीं होगा तब तक आपके अंदर से हंड्रेड परसेंट प्रोडक्टिविटी नहीं निकल पाएगी और दिस इज द एग्जाम जहाँ पे आपको अपने अंदर से हंड्रेड परसेंट प्रोडक्टिविटी निकालनी है आपके अंदर से जो हंड्रेड परसेंट चीज़ें हैं आपको रिटेन करनी है आप जो पढ़ रहे हो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए आपका दिमाग बड़ा शांत होना चाहिए बड़ा कूल होना चाहिए तब ये वाला एग्जाम है वो अपन वो अच्छे से क्रैक कर सकते हैं ठीक है थीके? चलो थैंक्स अलॉट पीपल दैट्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में